दोस्तों, ये खूबसूरत नजारा है उस स्थान का जहां पर माता वैष्णो देवी विराजमान है। तो इस नजारे को देखते देखते अचानक मेरी नजर पड़ी उन दो लोगों पे जो बंबई से आए थे और आपस में लड़ रहे थे। अरे तो रेलगाड़ी के कटरा रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद हम फटाफट उससे नीचे नहीं उतरे क्योंकि जल्दी उतरने को जरूरत ही नहीं थी। रेलगाड़ी आराम से रुकी, हम भी आराम से रुके और आराम से ही नीचे उतरे। यही है कटरा। आप लोगों ने सुना ना, इसने क्या बोला, यही है कटरा। जी हाँ, यही है कटरा जहाँ पर विराजमान है माता वैष्णो देवी जो की एक शक्ति पीठ है और यही पर है बहुत सारे पहाड़ लेकिन दिख ही नहीं रहे। देखिएगा तो रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद हम जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर गए, एक ऑटो वाले भाई ने हमें अपनी कार में चढ़ाया और एक होटल तक पहुंचा दिया। हर एक ऑटो वाले का एक होटल फिक्स होता ही होता है और आप कितना ही मेक माई ट्रिप में कुछ भी बुक कर लो लेकिन ऑटो वाले सस्ता होटल आपको कोई नहीं दिला सकता। तो ये है कमरा, 1200 रुपए में मिला है लगभग। तो माता वैष्णो देवी आने से पहले ये एक दिन दिल्ली में भी रुका था। हाँ, और उस दिन के साथ कुछ और घंटे मिलाने के बाद टोटल 2 दिन से मैं नहाया नहीं था। तो माता के दर्शन करने के पहले नहाना आवश्यक था, नहीं तो जब ये व्लॉग मेरी घर की माता देखेंगी ना तो मेरा हलवा पूरी बना देंगी। तो नहाने के बाद जिस एंटिक आइटम की आवश्यकता होती ना वो मैं घर में भूल गया था। तो मैंने सोचा होटल के बाहर जो छोटा सा बाजार है ना, उस बाजार से मैं अपना छोटा सा एंटिक आइटम ले ही लेता हूँ। और इसका वो एंटिक आइटम था कच्छा, जो ये घर चलाना भूल गया था। जी हाँ, लेकिन नहाने धोने के बाद आखिरकार मैं उस यात्रा पर निकल गया जिस यात्रा पर मैंने नंगे पांव चलने का फैसला किया था। और इसके इस फैसले से इसकी हालत क्या होगी, ये आप आगे देखना दोस्तों। हाँ, लेकिन आगे जाने और आगे देखने से पहले आपको बोलना पड़ेगा जय माता वैष्णो देवी। तो 12 से 14 किलोमीटर की चढ़ाई को शुरू करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको मिलता है एक कार्ड जो आपको अपने गले में डालना है। इसके बाद जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आपको बाजार दिखना शुरू होता है। बाजार में दुकानें हैं, दुकानों में वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं में ऐसी वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से आपको चढ़ाई चढ़ने में आसानी होती है। जैसे कि आपको दुकानों के अंदर दिख रहे होंगे डंडे, ये डंडे आपकी बीवी को आपके मारने के लिए नहीं है, इन डंडों के सहारों से आपको चढ़ाई चढ़ने में आसानी होगी। ओए, तो तूने क्यों नहीं लिए डंडे? क्योंकि हम हैं कनपुरिया लौंडे। वैसे कनपुरिया तो नहीं हूं मैं लेकिन लौंडा जरूर हूं और मुझे कानपुर बड़ा पसंद है क्योंकि कानपुर में रहा हूं मैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं समझा तो बाद में समझा। तो अब आप उस बाउंड्री को देखिए जिसमें बहुत सारी वो पट्टियां बंधी हुई हैं जिनमें जय माता दी लिखा रहता है। और अब आप मेरे चेहरे को देखिए, मेरे माथे को देखिए जिसमें कुछ भी नहीं बंधा हुआ है। लेकिन अब आप फिर से मेरे माथे को देखिए जिसमें जय माता दी लिखी हुई पट्टी बंधी हुई है। कहीं आप ये तो नहीं सोचने लगे कि वहां से मैंने छोड़ के अपने माथे पर बांध ली? नहीं भैया, 10-10 रुपए में 2 पट्टियां ली थी। अरे इतना विश्वास है तेरे ऊपर, तू मजाकिया है, चुरकट नहीं है। धन्यवाद इतने अच्छे तरीके से बताने के लिए कि हम क्या नहीं है। वैसे यात्रा शुरू करने के बाद हमको कुछ ऑटो वाले मिले जो हमसे कह रहे थे कि हम ऊपर तक पहुंचा देंगे। भैया ऑटो ऑटो 50 रुपए में ऊपर तक चलना है। 50 छोड़ो, 40 दे दो, 40 रुपए में ऊपर तक पहुंचा दूंगा, हां चलना। ऑटो 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 भैया ऑटो, अरे चढ़ जाओ थक जाओगे ऊपर तक। तो इन ऑटो वाले ने हमसे बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन मैंने मना कर दिया और बोला कि नहीं, हम अपने पांव जाएंगे, थकेंगे तो बैठेंगे, बैठेंगे आराम करेंगे लेकिन चढ़ेंगे अपने पांव से। जब कोई घोड़ा, जब कोई आता होगा किसी घोड़े के पास, मालिक के पास बात करता होगा कितना क्या लोगे, घोड़ा बोलता होगा भाई मना कर दिया यार, मैं खुद थक गया हूं, 3 बार होके आ चुका हूं। मजाक की बात नहीं है, थकते तो बेचारे घोड़े भी होंगे क्योंकि मैं भी थक गया था। तो मैंने सोचा नारियल पानी ना सही, गाय के दूध से बना पानी यानी कि माठा यानी कि छाछ पी लेता हूँ। तो थोड़ी दूर तो मैंने चलते चलते पिया लेकिन फिर मैंने सोचा बैठ के पियूंगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ओए कितनी ऊपर बैठा है, पहुँचने वाला है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल पहुँचने वाला हूँ, बिजली की रफ्तार से चढ़ता हूँ ना, केवल 5% चढ़ाई पूरी हुई थी अभी, 11 से 13 किलोमीटर की चढ़ाई अभी और बाकी थी। बस ये बाकी नहीं था, खत्म हो चुका था। हाँ, इसीलिए मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और चलते चलते जब मेरा मन थक जाता था ना तो मैं वहाँ पर फैली प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ों में खो जाता था। और जब ज्यादा ही खो जाता था तो वहाँ पर बैठे बंदरों का डर मुझे वापस यात्रा में ले आता था। ये मोटा भाई, वो केला तेरे हाथ से ही छोड़ाया है क्या? नहीं, 20 रुपए दर्जन में खरीदा था उसने। अच्छा अच्छा, जैसे अब किसी और से भी खरीदने जा रहा है, बहुत अच्छा। अरे जल्दी देना, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। भैया हम तो वहाँ से आगे बढ़ गए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो हमसे भी खरीदारी करे। तो अभी तक सीधी सीधी रास्ता से आ रहे थे। हाँ, और फिर हमारे ये जो मित्र साहब है उन्होंने हमसे कहा कि अगर सीढ़ियों का ऑप्शन है तो सीढ़ियों से चलते क्या जाएगा। और जब हम लोग सीढ़ियों पर चले तो ऐसा लगा कि हमारे प्राण उड़ चलेंगे। खोते थे पुत्तर, सीढ़ियों से जाना कठिन होता है क्या? जी जी बिल्कुल, अगर आप सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश करेंगे तो जल्दी थकेंगे और खासकर अगर आप बुजुर्ग लोगों के साथ जा रहे हैं तो कृपया करके सीढ़ियों के अलावा जो दूसरा रूट है ना उसी पे चलते रहे। ऐसा लगता है सांसें कभी भी कह देंगी बस तेरा मेरा साथ बस यहीं तक था, अब तू ऊपर जा,
मैं कहीं और जाती हूँ। आपको मेरे चेहरे पर हंसी दिख रही होगी, लेकिन मेरे फेफड़ों को एक भी टाइम नहीं था, एक सेकंड का भी नहीं। ऑक्सीजन अंदर लेने से पहले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दे रहे थे। कभी कभी तो नाक में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल जाते थे। आज भीतर का भक्त बाहर आ ही जाएगा। हाँ भैया, बिल्कुल लग रहा है कि सब कुछ बाहर आ जाएगा। अरे मुझे देखकर लगे न लगे, लेकिन मेरे दोस्त को देखकर बिल्कुल लगेगा कि अगर उसके बगल से घोड़ा निकलेगा ना, तो वो कूद के उसकी टांग पकड़ कर बोलेगा, भाई घसीटते हुए ले चल ऊपर। तो ऊपर और कितना चढ़ाई बची है ये तो नहीं पता चल रहा, लेकिन भीतर कितनी शक्ति बची है वो अच्छे से पता है, क्योंकि बची नहीं है। तो हम लोग तो वहाँ पर बैठे बैठे आराम कर रहे थे, लेकिन दुनिया कहाँ रुकती है। कुछ लोग चढ़ते जा रहे थे तो कुछ लोग उतरते जा रहे थे। मैं वहाँ पर बैठा बैठा नजारे देख रहा था, कभी दाएं देख रहा था, कभी बाएं देख रहा था। लेकिन जब मैंने ऊपर से नीचे देखा तो देखा WWE हो रहा है। थोड़ी देर मैंने WWE का मचा लिया, फिर जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे थे वैसे ही वैसे नजारे और दृश्य बेहद खूबसूरत होते जा रहे थे। कई जगहों से दृश्य इतना सुंदर, इतना मनमोहक लग रहा था कि मन के अंदर से आवाज आ रही थी कि यहीं पर बिस्तर लगा के दो चार नींद ले ले, लेकिन खुली आंखों से। हाँ, नहीं तो मनमोहक दृश्य कैसे दिखेगा। इधर से दिख रहा होगा ना, बहुत छोटा छोटा है, कुछ पहाड़ वहाड़ है नहीं। आना तो पता चलेगा अगर नहीं आए हो तो। नहीं नहीं नहीं, मजाक की और हंसने की बात नहीं है, मोबाइल में पहाड़ जितने बड़े हैं उतने बड़े दिख नहीं रहे, यही तो अफसोस है, नहीं तो आप लोग मेरा दर्द अभी समझ जाते। अरे भैया, लेकिन ये बताओ कि अभी और कितना बचा है। देखिए चढ़ते चढ़ते अब हम लोग पहुँच चुके थे अर्धकुमारी, और यहाँ से लगभग आधा रास्ता तय करना और बचा हुआ था। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने तय किया कि 10 से 15 मिनट आराम करने के बाद ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब जाके थोड़ा थकान टाइप में नहीं लग रही, अब थोड़ा सा शांति से लग रहा है, क्योंकि मौसम भी शांत सा लग रहा है। हाँ, तो बस आधा और बचा, लगभग 5 किलोमीटर और यहाँ से जाना है, दर्शन करेंगे, उसके बाद उतरेंगे, नीचे जाएंगे, फिर खुद को भी देखना है, खुद के भी दर्शन करना है कि क्या हाल बचे। अब कल कई और जगहों पे जाना है, जाने लायक बचेंगे कि नहीं बचेंगे कल ही पता चलेगा, क्योंकि तुरंत तो पता नहीं चलता। तो जहाँ पर चढ़ चढ़ कर हमारी हालत खराब हो रही थी, वहीं पर इन लोगों की मस्ती खत्म नहीं हो रही थी। इतनी ऊंचाई में गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेल रहे थे। अरे भैया तुम तो चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कुछ जानकारी उन लोगों को भी दे दो जो पहली बार वैष्णो देवी चढ़ रहे थे। जी बिल्कुल, तो देखिए जब आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कटरा जम्मू जाएं तो अपने साथ एक पोस्ट पेड सिम जरूर लेके जाएं, क्योंकि जितनी भी प्रीपेड सिम्स हैं जम्मू कश्मीर के अलावा वो वहां पर जाते ही बंद हो जाएंगी। तब आप सोचेंगे कि मेरे पास मोबाइल तो है लेकिन नेटवर्क क्यों नहीं है, तो अपने साथ एक पोस्ट पेड सिम जरूर लेके जाएं। और दूसरी बात, जब आप माता वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ने लगे तो ऊपर नीचे दाएं बाएं देख कर ही चढ़ें, क्योंकि ऊपर से नीचे पत्थरों के गिरने की आशंका बनी रहती है। कई जगहों पर ऊपर जानवर चलते हैं, तो जानवरों के चलने से भी पत्थरों के खिसकने की आशंका रहती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास मोबाइल है, स्मार्ट वॉच है, कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम है, तो उसको लॉकर में जमा करा दे, तभी ऊपर, सबसे ऊपर जाने से पहले की बात बता रहा हूँ। आप अधिकतर 10-11 किलोमीटर तो मोबाइल ले जा सकते हैं, लेकिन माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जब आप लाइन में लगते हैं ना, तो लॉकर में जो आखिरी लॉकर बचते हैं वहां पर आप अपने ये सारे आइटम जमा करा दे, नहीं तो आगे जाके आपको वापस भेजेंगे यही आइटम रखने के लिए। तो इन तीन बातों का जरूर ध्यान रखें दोस्तों। तो चलते चलते इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, आप लोग इसके चेहरे से ही देख सकते हैं। हाँ हाँ, दिक्कत थी काफी, लेकिन सांसों में कोई दिक्कत नहीं थी, सांसें तो बराबर चल रही थी। दिक्कत थी लेफ्ट पैर के लेफ्ट पंजे में, समझे ना आप लोग, लेफ्ट पैर के लेफ्ट पंजे में। अब वो कहाँ होता है आप लोग ढूंढिए। अरे भैया ये सब छोड़िए, ये बताइए कि अभी और कितना टाइम लगेगा तुमको। बस बस, इसके बाद माता के दर्शन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा, 1 से 1.5 घंटा लगा होगा। थोड़ा आगे जाकर हमने लॉकर नंबर 355 में अपने अपने सामान रख दिए, जैसे कि चमड़े का बेल्ट, मोबाइल, पर्स वगैरह। फिर जाके माता के दर्शन किए आराम से। अभी आपको मेरे माथे पे जो तिलक लगा हुआ दिख रहा होगा, वो वहीं के पुजारी, वहीं के पंडित जी ने लगाया। मतलब तूने दर्शन कर लिए। जी जी बिल्कुल, दर्शन कर लिए थे और अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए जितना कठिन चढ़ना था उससे ज्यादा कठिन उतरना हो रहा था, क्योंकि मेरे लेफ्ट पैर का लेफ्ट पंजा बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था। आप लोग समझ गए ना, लेफ्ट पैर का लेफ्ट पंजा, और इतना दर्द दे रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। बता सकता तो वो मेरा पैर ही बता सकता, लेकिन क्या करें, वो बता नहीं सकता।